केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह की चुनावी सभा में जनता की अपार भीड़ उमड़ी। कटनी के जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। इस दौरान शाह ने इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीपी, शिवसेना और टीएमसी के प्रमुख अपने अयोग्य बेटों या भतीजों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।